अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हकीम मोहम्मद इमरान कंबो आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जुमातुल मुबारक आज का मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको सबके लिए ये दिन मुबारक करे। और उसके अलावा जिन जिन की माएं दुनिया में सलामत हैं, उनका साया सरों पर अपनी औलाद के सलामत है, अल्लाह ताला ता कयामत सलामत रखे। और तमाम जो औलादे हैं अपनी माओं की खिदमत करें, यह मेरी दुआ है। और माँ की खिदमत में ही अजर है, माँ के कदमों तले जन्नत है। तो चलते हैं आज के नुस्खे की तरफ। व्यूअर, मुझे तकरीबन इंडिया से कम अज कम पिछले 10 दिनों में वो 2000 के करीब कॉल्स आई हैं मुख्तलिफ शहरों से। इसके अलावा मुझे मशरक़ वुस्ता से, कनाडा, अमेरिका से, यूरोप से, यानी दुनिया में जहां जहां उर्दू बोली पढ़ी जा रही है, जिन मुल्कों को मैं नाम नहीं ले सका, वहां से भी कॉल्स आई हैं कि हकीम साहब, वक्त खास के वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, बेशुमार अदवियात इस्तेमाल कर चुके हैं, फायदा नहीं मिलता। खास तौर पर जो बिरूने मुल्क हजरात हैं, उन्हें जड़ी बूटियां नहीं मिलती, अदवियात नहीं मिलती, जिस वजह से परेशान है। वक्त खास में कमी, इसे सरते अंजाल भी कहते हैं, इसकी बेशुमार वजूहात हैं। इस पर मैंने अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, हमारे चैनल पर हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आज का नुस्खा मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त है। सबसे बड़ी बात है, हर जगह से मिल जाता है। सिर्फ दो चीजें हैं। वो चीजें क्या है, जो मैं प्लेट पर करूँ ताकि आपको आसानी रहे इसको बनाने और खाने में, और आपको समझाने का भी है। मुरब्बा गाजर, कोशिश करना है गाजर जो मुरब्बा की आपने लेनी है वो साफ सुथरी हो, बेहतरीन हो। निहारमू आपने यूज करनी है। शुगर के मरीज ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ शुगर जिनको नहीं है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उम्र की कोई पाबंदी नहीं। इसके फायदे सुन ले नुस्खे के, ये जो मैं आपको अभी इस्तेमाल कराने लगा हूं, बताने लगा हूं। सबसे पहले तो इस नुस्खे का फायदा उन लड़कों को होगा जिनकी उम्र 10 से 15 साल है, उनकी नजर कमजोर है, याददाश्त कमजोर है। सबसे बड़ी बात है, उन्हें एहतलाम का आर्जा है, उन्हें जरियान का मसला है, ज़कात हिस का मसला है, उसके साथ साथ बदन की ताकत डे बाय डे गर्मी की वजह से, मेदे मसाने जिगर की गर्मी की वजह से कम हो रही है। ये नुस्खा उनके लिए बहुत जबरदस्त है। उसके बाद 15 से 20 साल के नौजवानों की तरफ चले, क्योंकि इस ये वो उम्र होती है जब जवानी जोश मारने लगती है, इंसान बेशुमार गलत हरकत में मुबतला हो जाता है। ये नुस्खा उनके लिए भी जबरदस्त है, जो मुश्तज़नी छोड़ना चाहते हैं या छोड़ने के बाद कमजोरियां हैं वो भी ठीक हो। और ये असल नुस्खा उन शादीशुदा मर्द हजरात के लिए है जिन्हें वक्त खास में कमी का, यानी सरत अंजाल टाइमिंग की कमी का मसला, या उनके लिए ये नुस्खा समझे आब हयात का दर्जा रखेगा। इस्तेमाल कैसे करना है, सुबह निहार मुंह उठें, उठने के बाद ये इतना गाजर का पीस बहुत है, और ये जनाब चांदी का एक वरक आपको जरूरत है। चांदी का वरक आपने प्योर खालस लेना है, दो ले लें, ये एक लगा, ठीक है जी, ये दूरा है। उसके बाद ये आ गया जनाब दूसरा, इसको भी आराम से ऐसे घुमा लें। लें जनाब, आपका नुस्खा तैयार हो गया है। ये आपने सुबह निहार मुंह उठकर खा लेना है। और अगर सर्दियां हैं तो ऊपर से नीम गर्म दूध पी लें। और अगर ये नुस्खा आप गर्मियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके साथ संदल का शरबत इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा 40 दिन बाप रेज इस्तेमाल करना है, शादीशुदा है चाहे कुंवारे हैं, 40 दिन आपने इसको परहेज के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह जो मैंने मसाइल बताए हैं गारंटी डाल लोगे मेरे मौला के करम से, बफजले खुदा, खुदा ताला की चाह से। और आइंदा यही मुरब्बा गाजर के साथ एक और चीज क्या इस्तेमाल करनी है कि ऐसे मर्द जिनको शहवत की कमी का मसला है जबरदस्त हो जाएगी। ये मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर अलग बनाऊंगा ताकि आप लोगों को तफसील से समझ आ सके। दुआओं में याद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।